है। मैं गुजारिश करूंगा अगर तकरीर सुनना चाहते हैं मैं मंत्र भी पढ़ूंगा और एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा हजरत दीवान शाह की बारगाह में भी संस्कृत में मैं मंत्र पेश करूंगा। अगर सुनना चाहते हैं एक हाथ उठाएं अपने इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ उठाओ हजरत इमाम हुसैन के नाम पे। पूरा मजमा दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, स्टेज से लेकर नीचे तक, पूरा मजमा हाजरीन को गवाह बनाकर शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए। हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, ऊंची आवाज में जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुनो साहिबो, जितने लोग जलसे में आए हो अच्छी नीयत लेकर बैठो और इस इरादे से बैठो, हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक के फैजाने हजरत दीवान शाह से अपने दामन को भर ना लेंगे। आप ये इरादा लेकर बैठो, कोई देखे ना देखे हजरत दीवान शाह देख रहे गए और मदीने वाले मुस्तफा देख रहे गए, और ये अकीदा लेकर जाओ हम तो यहाँ पे आए गए, हजरत दीवान शाह का रोजा यहाँ देख रहे गए। मेरे मौला हजरत दीवान शाह के सदके में एक दिन ऐसा आ जाए कि मदीने का सफर मेरी किस्मत में मुबारक हो जाए और मैं मदीने की ज्यारत कर लो, गुम्बद खजरा को देख लो। सुनो साहिबो, मैं भी इस मर्तबा रमजान में उमरा के लिए जा रहा हूँ, दुआ करो अल्लाह सफों को मदीना शरीफ में हाजरी नसीब फरमाए। अगर अल्लाह ने आंखें दिया गए, आपने दुनिया की सारी चीजों को देखा, मुस्तफा का मदीना नहीं देखा, मुस्तफा का गुंबदे खदरा नहीं देखा, तो समझो कि आपने कुछ नहीं देखा है। ओ लोगो, हजरत दीवान शाह के उर्स में आने वाले एक पैगाम लेकर जाओ, अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया गए तो ताजमहल देखने न जाओ, लाल किला देखने न जाओ, कुछ नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी देखने न जाओ, दीघा आप समंदर घूमने न जाओ। ओ साहिबो, अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया गए, दुनिया के हसीन नजारे न देखना कुछ नहीं होगा। माँ बहनों तुम भी तकरीर सुन रही हो, माँ बहनों तुम भी सुनो, अगर तेरे शोहर को अल्लाह ने गरीब बनाया गए, उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, सब्र के दामन को ना छोड़ना, और अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो फिर सुनो सुनो, अपने शौहर से बनारसी साड़ियों की फरमाइश न करना, कीमती जेवरात की फरमाइश न करना, कंगन और पाजेब की फरमाइश न करना, हीरे जवाहरात की फरमाइश न करना, ताजमहल घूमने की फरमाइश न करना, लाल किला देखने की फरमाइश न करना, दीघा घूमने की फरमाइश न करना, दिल्ली मुंबई घूमने की फरमाइश न करना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बनारसी साड़ी न दे कुछ नहीं बोलूंगी, हमें लाल किला न दिखाए कुछ नहीं बोलूंगी, ताजमहल न दिखाए कुछ नहीं बोलूंगी, हमें कीमती सलवार सूट न पहनाए कुछ नहीं बोलूंगी, कंगन और पाजेब न दे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ओ मेरी माँ और बहनों, सुनो सुनो, अपने शौहर से कहना, ओ मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया गए, हमें कुछ ना दिखाए, मुस्तफा का गुंबद खजरा जरूर दिखा दे, मदीने वाले मुस्तफा का रोजा जरूर दिखा दे, क्योंकि हमने उलमा से सुना दे, फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, फर्श जमीन पे, फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह।
पूरा मजमा अगर आप मेरा जहन बना देंगे, मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा भी और दिखाएगा भी, जो भी पत्र पढ़ूंगा हवाला के साथ पढ़ूंगा। और आप ये बता दें कि हम अगर कम ही बैठे गए लेकिन हम पे मुस्तफा का करम हुआ है तब हम यहाँ पर बैठे गए। अगर सुनना चाहते हो हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, आवाज नहीं आई झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज मेरी क्लियर जा रही है, क्लियर जा रही है, जरा इधर से लेकर वहां तक बोलो या रसूल अल्लाह। फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और लियाकत भाई मेरे नबी का गुंबद खजरा, बोलो मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। मेरे अरे जवाब तो दीजिए आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, बोलूं कि खत्म करते हैं हम? अरे बोले हैं तो हाथों को ऐसे नहीं, मैं मुर्दों के दरमियान नहीं, हम जिंदा वली के जिंदा चाहने वाले गुलाम हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो फिर जिंदगी पैदा करें, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, आवाज से बोलो या हबीब अल्लाह। सुनो फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा, फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद खजरा, जो जितनी आवाज से बोले मेरे मौला उसे उतनी जल्दी गुम्बद खदरा की ज्यारत अता फरमा देना। अगर सुनने का जिगर रखते हो तो सुनो, फर्श जमीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुम्बद खजरा, मेरे नबी का गुम्बद खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुम्बद खजरा। ए को देवा पढ़े, अरे मंत्र पढ़े। कितने लोग हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते। अच्छा माशाल्लाह, नहीं नहीं सब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माधि अच्छा साक्षी चेता केवल ओ निर्गुणश्च अधर्मा भी भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर वायुर्दे यलमुगडी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टं प्रपिताभहष्ट नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेशियं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशीचारतं पल्लवं स्वानं रम्यकीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं से विश्वेशं सुरूपं अस्मा सुकुमारुहा देव दत्तं जगत्पति असीना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीघ नील गंधा आदि ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ बुरीता लीड गच्छ दीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, पंडित का नाम है सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरण गुरु निमग सुखे सागर
हाथ सा कर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा कर दे शुद्ध नाम सुख सागर ना शराय में त्रमी बई ना शम नाम शिला शम्मा शुभ नंदन गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यर चार मागा सुख पावे और जय गुरु नाम जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। और एक शेर जिनके उर्स में आए हो अगर उनकी शान में संस्कृत मस्त में शेर न पढ़ा जाए तो फिर चतुर्वेदी का ना बेकार। सुनो कहा पंडित है अपने तो अपने गैर भी इनकी बारगाह में आते गए मन्नतें मांगते गए चादर पोशी करते गए और ये अल्लाह वाले उन्हें भी अता कर देते हैं। और पंडित आया मजार पे कहने लगा कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा दीवान तुम्हारी कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा दीवान तुम्हारी और संत के तू अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा दीवान तुम्हारी। अब बहुत पढ़ दिया इसको थोड़ा सा कम कीजिए सिर्फ कुछ नहीं करना खाली को कम करना हल्का सा कम कर दीजिए ताकि मेरी बात लोगों तक पहुंच सके। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह यहाँ से लेकर वहां तक जो इधर भाई खड़े हैं मैं गुजारिश करूंगा आप करीब आ जाइए बस मैं बैठने नहीं कहूंगा आप बस इधर आ जाए। अगर आपको सुनना है पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक हजरत दीवान शाह के फैजान को अगर लेना है पूरा मजमा बोल कर तकरीर सुनो और हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। आज मैंने तकरीर का मौजू लिया है कि जो झाग हैं वो उड़कर खत्म हो जाते हैं वअम्मा मा यनफउन नास फयमकुथु फिल अर्द जो लोगों को फायदा पहुंचाते गए वो जमीन पर बाकी रहा करते गए। कभी सोचिएगा कि अल्लाह वाले के दुनिया से गए हुए कई साल गुजर गए हजरत गरीब नवाज के इस दुनिया से गए हुए 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया आज भी गरीब नवाज लोगों के दिलों में जिंदा है। गौसे आजम के दुनिया से गए हुए कई सौ साल गुजर गए आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हजरत दीवान शाह के इस दुनिया से गए हुए कई सौ साल गुजर गए लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग आते हैं हमारे दादा परदादा इस दुनिया से गए 40 साल 30 साल नहीं हुआ पोता उसको याद नहीं रखता लेकिन अल्लाह वालों ने जिंदगी कैसे गुजारी है कि 100 साल के बाद भी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। इसलिए साहिबो ऐसी जिंदगी गुजारो याद रखना प्यारे इस दुनिया में कोई जिंदा रहने नहीं आया गए इधर मेरी तरफ देखे और गुफ्तगु मुलाहजा करते जाए अल्लाह ने जिंदगी दिया गए ये बड़ी कीमती जिंदगी गए इस दुनिया में कोई रहने नहीं आया गए कितने लोग आए इस दुनिया में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा इस दुनिया में आने का एक सिस्टम है कि बाप पहले आता गए बेटा बाद में आता गए दादा पहले आता गए पोता बाद में आता गए माँ पहले आती है बेटी बाद में आती है इस दुनिया में आने का अल्लाह ने सिस्टम बनाया है। लेकिन कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि दुनिया से जाने का भी एक सिस्टम हो नहीं नहीं दुनिया में आने का एक सिस्टम है जाने का कोई सिस्टम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले आने वाला बाप वो जमीन पे जिंदा रहता है और 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ आंसू बहाता हुआ वो बाप लेकर जाता है। इसलिए लोगों मौत की तैयारी करो अल्लाह वालों की बारगाह से करीब हो जाओ नमाज की पाबंदी करो अपने उलमा की बातों पे अमल करो अल्लाह ने हाथ दिया है तो आप हाथ का हक अदा करो अल्लाह ने पांव दिया है तो आपके पास इतनी बड़ी
बड़ी नेमत है, इस नेमत के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करो। जितने लोग बैठे गो अभी हमारे यहाँ कटिहार बिहार में 7 लोग निकल रहे थे अहमदाबाद गाड़ी पकड़ने को, लेकिन आधा घंटा घर से निकले थे, एक ही फैमिली के लोग बड़ी सी गाड़ी आकर टक्कर मार दी गए, वो 8 लोग उसी जगह स्पॉट डेथ कर जाते गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कौन इस दुनिया में रहने आया गए। ओ साहिबो जिंदगी गुजारो, जब आपका जनाजा निकले तो कोई ये ना कहे अच्छा हुआ मर गया, पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा था, बल्कि यहाँ से पैगाम लेकर जाओ जिंदगी ऐसी गुजारो जैसा कि अल्लाह वालों ने जिंदगी गुजारी गए। हजरत दीवान शाह अलैहिर्रहमान ने जिंदगी गुजारी गए। याद रखना अगर नेक बनकर जाओगे तो अपने तो अपने, जब जनाजा निकलेगा तो गैर भी खिड़की से पर्दा हटाकर कहेंगे ये किसी गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इस वजह से आप ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे अल्लाह वालों ने जिंदगी गुजारी गए। आप माँ बाप की ना फरमाना न करो, शराब न पियो। ओ शराब पीने वालों, आज तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम लोगों को कि जो लोग शराब के नशे में धुत रहते गए, ओ साहिबो तुम मौलवी की बातों को सुनकर शराब नहीं छोड़ते हो, लेकिन याद रखना मैं एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। घर जाना तकिया पे सर रख कर सोचना कि जब तू शराब पिएगा हमारे इलाके में या आपके यहाँ भी कितने नौजवान ऐसे होंगे जो शराब पीता हो, मौलाना ने बड़ा मना किया उसने नहीं माना, लेकिन कभी आपने सोचा गए जवानी की हालत में लियाकत भाई हमारे गांव में मेरे घर के 2-4 घर के बाद एक ऐसा नौजवान का इंतकाल हुआ जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, 3 बच्चों का बाप था। जब वो मर गया याद रखिएगा बड़ा सबों ने समझाया, वो नहीं माना शराब पीता रहा, लेकिन नहीं माना जवानी की हालत में फेफड़ा सड़ गया, और जब फेफड़े सड़ने लगे जमीन जायदाद जमीनों जायदाद सारी चीजें बेचकर घर वालों ने इलाज करवाया, लेकिन कहीं इलाज ना हो पाया। जब डॉक्टर के यहाँ गया वहीं पे दम तोड़ दिया। कभी ये जो सोचना लोगों, तू तो दुनिया से चला जाएगा जवानी की हालत में, ओ शराब पीने वालों, ओ बुराइयां करने वालों, तू तो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन कभी सोचा गए तू जवानी में जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला जाएगा। जब ईद का दिन आएगा तो दो बच्चे जो अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते गए, जब तेरे बच्चे की निगाह पड़ेगी तो उनके साथ क्या होगा, उनके दिल पे क्या बीतेगी। इसलिए साहिबो अगर तू जवानी में शराब पीकर दुनिया से चला गया तो तेरी बीवी का क्या होगा, उस पे लोग तरह तरह की तोहमत लगाएंगे, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरा बच्चा ईद के दिन दूसरे के दरवाजे पर खड़ा होगा। इसलिए लोगो शराब ना पियो, ओ जुआ खेलने वालों जुआ ना खेलो, ओ बुराइयां करने वालों बुराइयां ना करो, बल्कि अगर चाहते हो मरने के बाद भी आपका नाम लोगों के दिलों में जिंदा रहे तो ऐसे जिंदगी गुजारो, दुनियादार की तरह नहीं बल्कि इश्के मुस्तफा में जिंदगी गुजारो। अगर आशिके मुस्तफा बन जाओगे तो पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में अल्लाह आपके नाम को बाकी फरमा देगा, जिंदा फरमा देगा। और मैं तो कहता हूँ आशिके मुस्तफा पर के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मुस्तफा का आशिक बनो। अभी आपने सुना नहीं है एक मुफ्ती साहब की बला जिनको हिंदुस्तान में भी लोग नहीं जानते थे, लेकिन मुस्तफा के इश्क की बात किया है पूरी दुनिया में चर्चे हो गए हैं। हाँ क्यों, हम जानते हैं जो अपने बाप के लिए जिएगा वो मिटा दिया जाएगा, जो रसूले पाक के लिए जिएगा तो वो मरेगा नहीं, मरने के बाद भी कब्र में रहेगा लेकिन जमीन पे लोगों के दिलों में जिंदा हो जाएगा। आशिके मुस्तफा पर के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, और मेरा दावा है, मेरा दावा है
मुरादाबाद रोज़े क़यामत उनके सदके में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदके में जन्नत मिलेगी। हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुनेंगे तकरीर सुनेंगे, अरे सुनेंगे भाई। एक मरतबा लहक कर पूरा मजमा हाथों को उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह आप सुनते जाएं लोगों। लियाकत भाई ये नौजवानों को देखे खड़े हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ इन नौजवानों से इतना परेशान हूँ इतना परेशान हूँ। इन लोग को टच कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इन नौजवानों को देखिएगा इनको गड़बड़ कैसे होगा। ये नौजवान जाएंगे सैलून। ए बुलबुल साहब हम दुआ भी देते हैं, मुसाफिर आदमी है, ऐसी दुआ देंगे चाहते रहिएगा। ये नौजवानों को मत छेड़िए, ये नौजवान को देखिएगा। आजकल ये कटिंग चला, ये सैलून जाते हैं सैलून, देखिएगा एक कटिंग चला। इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी, और जानते हैं बीच में रखता है कैसे, देखिए ऐसे। हाँ मैं गलत नहीं बोल रहा, ऐसे ऐसे रखता है ऐसे। मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, क्या तुमने कभी देखा है, क्या किसी अल्लाह वालों की कटिंग ऐसी देखा है, क्या तुमने किसी नबी के बारे में सुना है कि उन्होंने ऐसी कटिंग रखा है। अरे उनको छोड़ो, ये किसी आलिम दीन को तुमने देखा है कि ऐसी कटिंग रखा हो। अगर ऐसी कटिंग रखना जायज होता तो सबसे पहले इमाम साहब रखते, सबसे पहले मौलाना साहब रखते, सबसे पहले मुफ्ती साहब रखते। ओ हजरत दीवान शाह के उर्स में आने वाले, यहां से पैगाम लेकर जाओ कि अगर आप हजरत दीवान शाह से सच्ची मोहब्बत करते हो, आपका चलना बताए। ये हजरत दीवान का दीवाना जा रहा है, आपका बोलना बताए। ये हजरत दीवान शाह से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, आपके गुफ्तार बताए, आपकी रफ्तार बताए, आपका लिबास बताए। ये दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार जा रहा है। ओ माइक वाला भैया थोड़ा सा इनको हल्का दे दीजिए, हो आप तो ऐसा कर दीजिएगा कलेजा फेफड़ा सब उड़ जाएगा। मुकम्मल नहीं देना है, ज्यादा नहीं देना है, हाँ रहने दे। अगर सुनना चाहते हो पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आई, मैं बंद कर दूं तकरीर क्या? पूरा मजमा लहक कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। इधर देखे, ये मेरे हाथ में किताब है, मैं जो भी मंत्र पढ़ता हूँ हवाले के साथ पढ़ूंगा। ये देखे मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, ये श्रीमद् भागवत गीता है, मैंने मंत्र पढ़ा है। आज लोग कहते हैं कि ये मौलाना फला बातें करता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम नहीं देता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, इस्लाम से अच्छा मजहब अगर कोई दुनिया में हो तो लाकर दिखाओ। तुम कहते हो इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता, इस्लाम इंसानियत का पैगाम नहीं देता है, ये अल्लाह वालों की बारगाह है। मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह वालों ने तोड़ने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह वालों ने जोड़ने का हुक्म दिया है, दो दिलों को मिलाने का हुक्म दिया है, आप याद रखिएगा। लेकिन लोग कहते हैं ये इस्लाम को मानवता नहीं आती है, ये मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता है। मैं कहना चाहूंगा तू कभी आकर तो हमारे जलसों में देख, हम अपने जलसों से पैगाम देते हैं। अल्लाह वालों की बारगाह से सदाएं बुलंद होती है के चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो इस वतन में, ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम तो उल्फत का पैगाम देते हैं, हम तो प्यार का पैगाम देते हैं। याद रखना मुसलमान को जो लोग कहते हैं मुसलमान भड़काता है, भड़कता है, भड़कता है, नहीं नहीं मुसलमान किसी के नाम पर नहीं भड़कता। हम तो गारंटी से कहते हैं हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर मुस्तफा की शान में तूने गुस्ताखी किया तो याद रखना हम तो आला हजरत के सिपाही है। आला हजरत ने बताया है जमीनों समा तुम्हारे लिखे, मकीनों मका तुम्हारे लिखे, चुनी
चुना तुम्हारे लिखे बने तो जहां तुम्हारे लिखे दहन में सभा तुम्हारे लिखे बदन में है जा तुम्हारे लिखे और या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिखे उठे भी वहां तुम्हारे लिए नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया उर्फे दीवान शाह बाबा वलमाए अहले सुन्नत काफी का सुन्नी मुसलमान मुसलमान किसी के नाम पे कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि तुम मुझे गाली दो कसम खुदा की मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आज मैं ट्रेन पे चलूं कोई अगर छेड़ने की गर्ज से भी कुछ कह देता है मैं नजरें झुका के चल देता हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम ये मुसलमान मुस्तफा के लिए अपनी जान भी दे सकता है अपना माल भी दे सकता है। हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये शाफी तुम्हारी है। हम मुस्तफा के लिए जीते गए और मौत भी आए तो दुआ करते गए मौला इश्के मुस्तफा में मौत दे देना दुनिया में भी कामयाब रहेंगे मरने के बाद भी कब्र में कामयाब रहेंगे। सुनो प्यारे जो लोग कहते हैं मुसलमान को मानवता नहीं आती है मुसलमान तो अलग कानून चाहता है मैं कहना चाहूंगा तुमने मुसलमानों को देखा नहीं है। आओ मैं बताता हूँ कि मुसलमान के अंदर मानवता कितनी है। मुसलमान ऐसा जानता है कि हम जिएंगे मुस्तफा के लिए मरेंगे मुस्तफा के लिए और इंसाफ भी करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी फैसला करेंगे। जरा गौर से सुनना इस्लाम हमारा क्या सिखाता है। आपने नाम सुना होगा हजरत बाबा फरीद का अल्लाह वालों के यहाँ से पैगाम क्या मिलता है। सुनो प्यारे हजरत बाबा फरीद है उनका एक मुरीद है आने लगा बारगाह में दिल में बेचैनी छा गई अगर दिल में सुकून न मिले दिल में इत्मीनान न मिले डॉक्टर के यहाँ दवाइयाँ लेते हो लेकिन आपकी बीमारी में शिफायाबी नहीं मिल रही आप ठीक नहीं हो रहे हो कभी अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाना और इस नीयत से आना लोहे जबी पे नूरानी तकरीर लिखते हैं लोहे जबी पे नूरानी तकरीर लिखते हैं अल्लाह वाले दुनिया की तकदीर लिखते हैं। सुनो सुनो आप आ जाना हजरत बाबा फरीद की बारगाह में एक मुरीद आने लगा सुनिएगा आया चलने लगा चलने लगा चलने लगा बाजार में एक छुरी बेचने वाला आवाज लगा रहा था ओ जाने वालों छुरी ले लो छुरी ले लो छुरी ले लो बड़ी अच्छी छुरी है तुम्हें आलू छीलने में काम आएगी सब्जी काटने में काम आएगी तुम्हें और भी सब्जियां काटने में और भी चीजों में काम आएगी ले लो अगर नहीं भी लोगे कम से कम आकर देख लो देखने का पैसा नहीं लगेगा। हजरत बाबा फरीद का मुरीद दुकान पहुंचे छुरी देखा बड़ी पसंद आ गई एक छुरी लिया फिर कहा दुकानदार से ओ दुकानदार एक छुरी और दे दो क्योंकि मैं ही छुरी लूंगा मुर्शिद की बारगाह में एक छुरी तोहफे के तौर पे पेश कर दूंगा। बाबा फरीद के मुरीद गए गए दो छुरी लिया झोले में डाला हजरते बाबा फरीद के यहाँ गया बाबा फरीद ने देखा ओ मेरा मुरीद आ रहा गया। हजरत दिल में अजीब सी बेचैनी थी दिल में सुकून नहीं था दिल में इत्मीनान नहीं था कहा आए हो आजा मेरी मुरीद। जब करीब गए हजरते बाबा फरीद के मुरीद झोले में हाथ डाला दो चाकू निकाला दो छुरी निकाला एक छुरी कहा सरकार ये आपके लिए तोहफे के तौर पे लाया हूँ एक छुरी अपने लिए मैंने लिया गए। हजरत बाबा फरीद ने छुरी को हाथ में लिया और फरमाया ओ मेरा मुरीद सुनो सुनो आगे से इस बात का ख्याल रखना अगर कुछ लाना ही हो तो छुरी न लाना बल्कि सुई लेकर आ जाना। बोलो 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 सुभान अल्लाह का छुरी न लाना अगर हो सके तो एक सुई ले आना। सरकार छुरी तो बड़ी चीज है सुई
तो छोटी चीज है लेकिन आप सुई लाने का रेत है। बाबा फरीद ने क्या जवाब दिया जरा गौर से सुनिएगा। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया ओ मेरा मुरीद छुरी का काम क्या है? छुरी का काम काटना होता है, छुरी का काम तोड़ना होता है, छुरी का काम अलग करना होता है। और सुनो इस्लाम तोड़ने का पैगाम नहीं देता है, इस्लाम काटने का पैगाम नहीं देता है। छुरी का काम तोड़ना होता है, सुई का काम अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ना होता है। सुई का काम तो अलग अलग चीजों को जोड़ देना होता है, मिला देना होता है। सुन मेरा मुरीद इस्लाम तोड़ने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तो जोड़ने का पैगाम देता है, इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम तो आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। लेकिन लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल नहीं आने वाले, इसलिए आपको जैसे दुनिया देखेगी उसी तरह लोग कहेंगे। इस्लाम यही सिखाता है आप अपना चलना बदल लो, आप अपना फिरना बदल लो, आप अपना पहनना बदल लो। सुनो प्यारे लोग कहते गए कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती। लियाकत भाई आपसे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने ये किया मुसलमानों ने वो किया, आओ बनारस की सरजमीन पे, उत्तर प्रदेश में बनारस की सरजमीन है। हजरते इब्राहिम हजरते औरंगजेब आलमगीर दिल्ली के तख्त पर बादशाहत करते गए, अखंड भारत पर हुकूमत करते गए। हजरते औरंगजेब आलमगीर ने बनारस का कोतवाल बनाकर इब्राहिम कोतवाल को भेजा था। जब इब्राहिम कोतवाल आया वहां पे एक पंडित की बेटी थी जिसका नाम शकुंतला देवी था। शकुंतला देवी को इब्राहिम कोतवाल ने देखा, दिल आ गया, बड़ी मोहब्बत भरी निगाह से देखा, कहा ओ शकुंतला तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। शकुंतला पंडित की बेटी कहने लगी ओ इब्राहिम कोतवाल तू क्या कहता है, तू समझ रहा है, तू मुसलमान है, मैं एक हिंदू पंडित की बेटी हूँ, मेरी शादी तुझसे कभी नहीं हो सकती है, मैं तेरे घर की रानी कभी नहीं बन सकती। इतना कहना था इब्राहिम कोतवाल ने कहा ओ पंडित की बेटी शकुंतला देवी सुन, अगर तू नहीं मानेगी तो याद रखना जबरदस्ती तेरी डोली को शादी के दिन इब्राहिम कोतवाल उठा लेगा। जब इतना कहा पंडित सुनकर रोने लगा, शकुंतला रोने लगी, अपने बाप के आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है बाबा रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। पंडित ने कहा बेटी वो बड़ा जालिम आया है, वो इतना बड़ा जालिम कोतवाल है कि वो तेरी डोली को बगैर उठाए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसके जुल्म को जानता हूँ, वो जो कर दिया वो करके रखेगा। इतना सुनना था पंडित की बेटी कहती है बाबा जी आप रोइए नहीं, बल्कि मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, एक दूध का दूध पानी का पानी फैसला करने वाला बादशाह रहा करता है, मैं वहां जाऊंगी, मुझे यकीन है कि वो मेरी इज्जत को जरूर बचाएगा, वो मेरी फरियाद को जरूर सुनेगा। वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी, वो शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है और घोड़े पे लगाम कसती है, और वो पंडित की बेटी अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध कर निकल जाती है, दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती है जहाँ फरियादी लाइन में खड़े थे। हजरते औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद से जुमा की नमाज पढ़ के निकले, फरियादियों की लिस्ट लेने लगे। इतने में शकुंतला देवी का नंबर आया, इसने भी एक लिस्ट थमाया। हजरते औरंगजेब आलमगीर ने जब उस लिस्ट को पढ़ा अपने गले से चादर को उतारा और शकुंतला देवी के बदन पे डाल दिया और कहा ओ बेटी तेरा लिबास ये नहीं है बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू दुपट्टे में रहने की चीज है, तू अंदर रहने की चीज है, बेटी जा तेरी इज्जत बचाने औरंगजेब आलमगीर जरूर आएगा। इतना जब सुना शकुंतला देवी घर आ गई, बाप ने कहा बेटी क्या हुआ, शादी की तारीख तय हो गई, डोली सज गई, शहनाइयां बजने लगी। इतने में देखा कि इब्राहिम कोतवाल अशरफिया लुटा रहा है, पंडित रोने लगा, कहने लगा ओ बेटी मैंने तुझसे कहा था कि वो नहीं आएगा। पंडित की बेटी कहने लगी ओ बाबा उसने मुझे जिस दर्द से बेटी कह के कहा है, मुझे यकीन है एक बाप अपनी बेटी की
इज्जत बचाने जरूर आएगा, एक बेटी की हिफाजत के लिए जरूर आएगा। जब इतना कहना था वो अशरफिया लुटा रहा था इब्राहिम कोतवाल, हजरत औरंगजेब आलमगीर आए और इतने में देखा एक कंबल ओढ़कर फकीर आया। अशरफिया मांगने लगा हाथ बढ़ाकर, इब्राहिम कोतवाल ने कहा कि ओ फकीर सुनो सुनो, वो नीचे जमीन पे अशरफिया गिरी है, इसे तू उठाकर लेकर चला जा, सब ले रहेगा, सब लूट रहेगा। फकीर ने कहा कंबल ओढ़े, फकीर ने चेहरा छुपा कर था कहा कि ओ इब्राहिम कोतवाल, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं जो जमीन से उठा लूं, मुझे हाथ में चाहिए हाथ में। इब्राहिम कोतवाल ने झोले में हाथ डाला, कुछ अशरफिया निकाल कर उस फकीर के हाथ में देने के लिए हाथ बढ़ाया। उस फकीर ने हाथ को पकड़ा इब्राहिम कोतवाल के, घोड़े से खींच कर जमीन पे पटक दिया। जमीन पे पटकना था, हंगामा हो गया। एक फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब उस फकीर ने कंबल को चेहरे से हटाया तो जमाने ने देखा वो कोई और नहीं था, वो दिल्ली के तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर की जान थी। अल्लाह सबत, अब जरा सुनिएगा, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर कहा कि तूने तुझको मैंने इसलिए भेजा था यहाँ, तुझे तो दूसरों की हिफाजत के लिए भेजा था। जब इतना सुनना था तो इब्राहिम कोतवाल माफिया मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा सुन, बेटी बेटी होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है, हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने दो पागल हाथियों को बुलवाया और इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बंधवा दिया, दोनों पागल हाथी को बीच चौराहे पर दौड़ा दिया और इब्राहिम कोतवाल को बीचों बीच फाड़ दिया और दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो है जो जात और चेहरा देखकर फैसला नहीं करता है। अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो फिर मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। ये हमारा इस्लाम है, इसलिए हम कंके की चोट पर कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ओ इस्लाम के बेटे, आपने इस्लाम का नमक खाया है, हाथों को उठाओ, अपने मजहब के परचम को बुलंद करो, पूरा मजमा एक हाथ को हसनी दूसरे हाथ को हुसैनी बनाओ और सुनने का जिगर पैदा करो और मोहब्बत के साथ बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ओ प्यारे सुनो सुनो, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो कौन सा है? ऊंची आवाज में सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? और इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम एक दूसरे को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करता है। अल्लाह वालों के मजार पर हम और आप आते हैं, किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि हमारे दिल जो गुनाह करते करते गंदा हो गया, हमारा दिल गुनाहों से साफ सुथरा हो जाए। अल्लाह के वली के फैजान से माला माल होने के लिए आते हैं। इसलिए अगर सुनना चाहते हो आप थोड़ी देर मेरे बयान को, तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जितने लोग हाथों को उठा रहे मेरे मौला, उसे कुछ दिखाना न दिखाना मुस्तफा का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। हाँ हाय, मैं दुआ करूंगा फिर से, क्यों मदीना देखो, देखो मदीना नूरी नूरी बागा का समा गए, शगरे ऐसा गए मेरे नबी का। कभी जाकर देखो, दुनिया की सारी खूबसूरती मदीना शरीफ में डाल दी गई है, जाकर देखो साथी वो नूरी नूरी बागा का समा है, शगरे ऐसा गए मेरे नबी का, नूरी नूरी बागा का समा गए, शगरे ऐसा है मेरे नबी का, और नाज करता है काबा भी जिसे परे, वो मदीना है मेरे नबी का, नाज कर
करता है काबा भी जिसे पर वो मदीना गए मेरे नबी का। जो दुश्मनी दूसरे से रखता है, जो दूसरों से हसद करता है, जो दूसरों से जलन करता है, वो मिटा दिया जाता है। वो अम्मा मायन फाउन्नास फयम कुसुफिल अर्द, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहा करता है। आप कहोगे वो कैसे, लोगों बुराइयां करना छोड़ दो क्योंकि बुराई करोगे मुसीबत आ जाएगी, नेकियां करो नेकियां, नेकियां करके दुनिया से जाओगे, जमीन पे भी नाम बाकी रहेगा, कब्र के अंदर भी आराम ही आराम मिलेगा। इसलिए नेकियां करो नेकियां। मैंने जो गुजारिश किया है दो चार बातें आप मेरी समाप्त कर लो, अगर आप सुनने का जिगर रखते हो तो गौर से सुनना मैंने क्या कहा। दुनिया में अगर कोई अच्छा काम करेगा, जो नेकियां करेगा, कभी जहां जिस बुजुर्ग की बारगाह में आते हो आकर सोच कर देखना, या अल्लाह मेरा बाप दुनिया से गया उनको कोई याद नहीं करता, मेरा दादू दुनिया से गया कोई याद नहीं करता, ए मेरे मौला अल्लाह वालों ने कैसी जिंदगी गुजारी है कि इनका नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, इनसे रिश्ता मेरा क्या है। इसलिए रिश्ता है ये अल्लाह वाले है, ये अल्लाह की याद में पूरी जिंदगी गुजारे गए, मुस्तफा के इश्क में जिंदगी गुजारे गए, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए जिंदगी गुजारते गए वो मिटाए नहीं जाते गए बल्कि हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहा करते हैं। कैसे जिंदा रहते अल्लाह वाले, दूसरों का ख्याल करते हैं अल्लाह वाले, दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं क्योंकि तकलीफ देने वालों का नाम बाकी नहीं रहता है, फायदा पहुंचाने वालों का नाम बाकी रहता है। क्यों सागिबो, आओ मैं आपको बताता चलूं। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। हजरत जुनैद बगदादी एक मर्तबा नदी के किनारे से गुजर रहे गए। जरा सोचो अल्लाह वालों की जिंदगी और अपनी जिंदगी का मुआजना करो, हम कहां खड़े गए, अल्लाह वाले कैसी जिंदगी गुजार कर गए। हजरत जुनैद बगदादी गए एक नदी के किनारे से गुजर रहे गए, मुरीदीन भी पीछे गए, देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है, डूब रहा है, वो बिच्छू पानी में डूबता हुआ देखते गए, हाथ डालते गए, सोचते गए बिच्छू की जिंदगी बचा दी जाए। लेकिन याद रखिएगा हजरत जुनैद बगदादी ने जैसे ही हाथ डाला बिच्छू को अपनी हथेली पर लिया ताकि उसे पानी से डूबने से बचाया जा सके, पानी में डूबने से उसे महफूज कर ले, उसे बाहर निकाल दे। हजरत जुनैद बगदादी ने हाथ में बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने टंक मार दिया, हाथ को छिड़का, हजरत जुनैद बगदादी ने फिर बिच्छू पानी के अंदर चला गया, लेकिन रहा नहीं गया, चंद मिनटों के बाद फिर वो बिच्छू डूबने लगा। अल्लाह वालों की बातें थी, हमारी तरह कोई होता डंडे से उस बिच्छू को मार मार के पानी में खत्म कर देता कि तुझे मैं बचा रहा था, तू मुझे उल्टा काट रहा है, लेकिन अल्लाह वालों की बातें अलग होती है। हजरत जुनैद बगदादी ने दूसरी मर्तबा देखा वो बिच्छू फिर डूब रहा है, फिर दोबारा हाथ डालते गए, सोचते गए हथेली में लेकर बिच्छू को बाहर निकाल दे, फिर दोबारा टंक मार दिया, टंक मारना था इतना तेज टंक मारा, फिर हाथ को झिड़कते गए और वो बिच्छू दोबारा पानी के अंदर, फिर चंद मिनटों के बाद फिर वो बिच्छू डूबने लगा। हजरत जुनैद बगदादी को रहम आ गया, जैसे ही हाथ डाला बिच्छू को पकड़ा उठाकर बाहर फेंक दिया, बाहर फेंकना वो बिच्छू तो बच गया, मुरीदीन खड़े हो गए, सरकार मामला समझ में नहीं आया, हजरत मामला समझ में नहीं आया, कहा क्या हुआ, कहा कि ये बिच्छू बार बार आपको टंक पे टंक मारा जा रहा है, आप इस बिच्छू को बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, हजरत जी आप इस बिच्छू को क्यों बचाए, ये बार बार टंक मारता है। जुनैद बगदादी का जवाब सुनो, अल्लाह वालों ने जिंदगी कैसे गुजारी है, अल्लाह की मखलूक की मदद कैसे किया गए। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, ओ मेरे मुरीदों सुनो सुनो, बिच्छू की आदत क्या है, बिच्छू का काम है टंक
डंक मारना और मेरा काम है बचाना। जब बिच्छू अपने काम को नहीं छोड़ सकता गे तो फिर मैं अपने काम को कैसे छोड़ सकता गो। जब बिच्छू अपनी आदत को नहीं बदल सकता गे मैं अपनी आदत को कैसे बदल सकता गो। ओ लोगो अल्लाह वालों ने दुनिया वालों पे रहम किया गे दुनिया वालों को फायदा पहुंचाया गए और अल्लाह का वादा है जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा वो जमीन के अंदर भी रहेगा लोगों के दिलों में उनका नाम जिंदा रहेगा। साहिब वो मजार पर आते हैं ना तो कुछ सीख कर जाइए अल्लाह वालों ने जिंदगी कैसे गुजारी है। जो हसद करता है जो जलन करता है जो तकलीफ दूसरों को देता है वो दिया जाता है। जरा बहुत जोर से बोलो जोर से बोलो। जो दूसरों को तकलीफ देता है वो ऊंचा बोले याद करके जाए। कल अगर कोई पूछे तुमने क्या सुना है तकरीर में तो आपको कहना है हमने ये सुना है जो दूसरों को तकलीफ देता है वो दुनिया से मिटा दिया जाता है और जो दूसरे को फायदा पहुंचाता है उसका नाम मरने के बाद भी जमीन पर लोगों के दिलों में जिंदा रहा करता है। फरिश्तों की जमात में उनका नाम जिंदा रहता है। सुनो प्यारे आप कहोगे कैसे हम अपने आप को तो देखें क्या हमारी तरह अगर होते हजरत जुनैद बगदादी वो तो बिच्छू को डुबा कर मार देते लेकिन उन्होंने तो क्या किया। याद रखना ऐसा नहीं है सिर्फ दुनिया वालों अल्लाह के इन बंदों पे ही रहम करो बल्कि नहीं नहीं अल्लाह वालों की साथ वो होती है जो चरिंदो परिंद पर भी रहम किया करते गए जो अल्लाह की सारी मखलूकात पे रहम करते गए। याद रखना लोगों आपने सुना नहीं है बुखारी शरीफ की हदीस पाक है मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है जो दुनिया वालों पर अल्लाह की मखलूक पे रहम करेगा अल्लाह ताला कयामत के दिन उन पे रहम फरमाएगा। जो दुनिया में अल्लाह के बंदों पे मखलूक पे अल्लाह की मखलूक पे रहम करेगा। आपने सुना नहीं है बुखारी शरीफ की हदीस पाक है एक औरत थी बनी इसराइल में आका फरमाते हैं वो बिल्ली पालती थी बिल्ली और वो बिल्ली कहीं वो जाने लगी तो बिल्ली को कमरे में बंद कर दी बांध करके रखी कुछ दिनों तक वापस आने में ताखीर हो गई। बिल्ली बिल्ली भूख की वजह से प्यास की वजह से मर गई। अल्लाह की तरफ से आवाज आई ओ फरिश्तों सुनो सुनो मैंने इस औरत को बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से इनके 70 साल के इबादतों को मैंने बर्बाद कर दिया है और इसको जहन्नमी बना दिया है। अल्लाह अल्लाह अब बताए 70 साल की इबादत को अल्लाह ने एक बिल्ली पे जुल्म करने की वजह से उसको सारी इबादतों को बर्बाद कर दिया। और वही औरत है जो एक औरत ऐसी है जो तो बुरा है बुरी औरत है जिनका नाम लोग बुराई के साथ लेते हैं लेकिन वो औरत एक मर्तबा चिलचिलाती धूप में गर्मी में सख्त धूप है वो निकल रही है एक कुत्ते के बच्चे को देखती है एक कुएं के बगल में प्यास की वजह से सख्त प्यास लगी है वो कीचड़ को चाट रही है वो कीचड़ को पानी से लथपथ मिट्टी को चाट रही है। उस औरत को दया आ गई अपने पांव से जूती को खोलती है और अपने दुपट्टे को ऊपर बनाती है वो रस्सी और जूती में बांधती है कुएं के अंदर डालती है जैसे ही जूती को अंदर डालकर पानी निकालती है कुत्ते के बच्चे के मुंह में डालती है कुत्ता का बच्चा पानी पी लेता है और वो पानी पीकर प्यास बुझाकर चला जाता है। रहमत रब की मशीयत जोश में आती है रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह ताला ने उस 70 साल गुनाह करने वाली औरत के गुनाहों को माफ फरमा दिया और इसी अल्लाह के मखलूक उस कुत्ते पर रहम करने की वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत को जन्नती बना दिया। अल्लाह अल्लाह सोचो साहिबो कभी हम हैं इस तरह लेकिन आपने नहीं सोचा होगा। ओ भाई आजकल तो माहौल ये हो गया बनी इसराइल में एक और आदमी था जो चल रहा था देखा उसने एक चिड़िया का बच्चा है वो घोंसला है घोंसला उसने चिड़िया के बच्चा को जमीन पे उतार कर रख दिया जमीन पे उतार कर रखा
का एक जानवर आया चिड़िया के बच्चे को खा लिया, जिसको पाखी बोलते हैं आप, उसके बच्चे को खा लिया। अल्लाह अल्लाह बड़ा रोया, बड़ा गिरगिराया, अल्लाह नाराज हो गया। अब आज आई इस 70 साल इबादत करने वाले के, मैंने सारी इबादतों को बर्बाद कर दिया गया, मैंने इसे मरदूद कर दिया गया। बड़ा रोता रहा, एक दिन अचानक जा रहा था, आंधी तेज आई, चिड़िया के कुछ बच्चे जमीन पे गिर गए घोंसले के साथ। इसको रहम आ गया, इसने दोबारा उसे उठाया और एक महफूज जगह पे रख दिया। वो चिड़िया आकर मुंह में दाने बच्चों के डालने लगी। अल्लाह फिर से इतना राजी हुआ कि उससे राजी होकर उसकी सारी इबादतों को दोबारा कबूल फरमा लिया। अल्लाह वालों की ये जिंदगी होती है, जो तकलीफ दूसरों को देगा वो मिटा दिया जाएगा, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में, ऊंचा बोलो, वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। वअम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द। इसलिए साहिबो, आप अपने आमाल को ठीक करो, दूसरों को तकलीफ ना दो। अगर तकलीफ दोगे तो फिर कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। अल्लाह वालों की बारगाह में आते हो, यही तो सीख कर जाओ। इनका नाम दुनिया के लोग क्यों ले रहे हैं? ये कौन थे आखिर? क्या ये करोड़पति थे? क्या ये दौलत की बुनियाद पर नाम लेते हैं? नहीं प्यारे, हुए नामवर बेनिशान। कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान, कैसे कैसे कितने लोग आए दुनिया में लेकिन चले गए। बाकी वही रहा जो दूसरों को फायदा पहुंचाते रहते गए। तकलीफ मत दिया करो। आज हद तो ये है लियाकत भाई और अजमेरी साहब, नकीब साहब और मौलाना रफीकुल साहब, हद तो ये है, लोग दूसरों को तो तकलीफ देते ही थे, अब अपने बूढ़े माँ बाप को भी तकलीफ देते नजर आते गए। ओ उर्स में आने वालों, याद रखना, तू क्या सोचता है कि तू माँ बाप को नाराज कर लेगा और 10,000 की चादर मजार पे लाकर डाल देगा? क्या हजरत दीवान शाह तुमसे राजी हो जाएंगे? अल्लाह की कसम, नहीं, याद रखना, अगर माँ बाप तुझसे नाराज है तो 10,000 नहीं 10,00,000 की चादर लाकर डाल दो। ये बाबा भी आपसे राजी नहीं होने वाले, अल्लाह वाले आपसे राजी नहीं होंगे। अगर अल्लाह वालों को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप मुस्कुरा कर दुआएं देंगे। हजरत दीवान शाह भी राजी होंगे, अजमेर वाले खाजा भी राजी हो जाएंगे, और हद तो ये है, खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। इस वजह से साहिबो, आप क्या करो, माँ बाप को तकलीफ मत दो। कितने बेटे हजरत, अभी एक इलाके में मैंने सुना, एक बेटे ने एक कट्ठा जमीन के चक्कर में अपने बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया। मैं कहना चाहूंगा, ओ भाई, इसीलिए तेरी माँ ने तुझे पाला था, इसीलिए तेरे बाप ने तुझे पाला था, तेरी माँ ने नौमा अपने शिकम में रखा था। याद रखना लोगों, नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अल्लाह की कसम याद रख के जाना और यहाँ से पैगाम लेकर जाना। अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो फिर यहाँ भी आना बेकार है, मक्का मदीना भी जाना बेकार है, अजमेर और बगदाद भी जाना बेकार है। माँ बाप को राजी कर। नौजवान, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई सीधा रास्ता बताने वाला नजर नहीं आएगा, कोई नेक मशवरा देने वाला तुझे नजर नहीं आएगा। इसलिए माँ बाप की कदर करो। ओ नौजवान, आज तेरी माँ जब तू घर से 10 बजे निकलता गए, तेरी माँ पूछती गए, ओ मेरा बेटा तू कहाँ जा रहा है? रात के 10 बजे तू कहता है, माँ बस अभी गया अभी आया। तू तो ये कह के चला जाता है, रात के 11 बज गए, तू तो दोस्तों में गप्पे मार रहा है। वो तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है, रात के 12 बज गए, तेरी माँ बेचैन रहती है, रात के 1 बज जाते हैं, तू घर नहीं आता है। तेरी माँ बेचैनी की हालत में, बेचैनी के आलम में, एक डंडा हाथ में लाठी लेती है, धीरे धीरे तेरे बाप
के बिस्तर के करीब पहुंच दी है, पूरे बाप को जगा दी है। ओ फल्ला के अब्बू, अरे सुने सुने फल्ला के अब्बा, देखे अपना बेटा 10 बजे रात में गया था, अब तक अपना बेटा घर नहीं आया गए। अरे चले देखते गए, जमाना ठीक नहीं गए, लोग अच्छे नहीं गए, दुनिया वाले बड़े बेवफा गए। ओ लोगो, जब तेरी मानो जवानो, तेरा बूढ़ा बाप लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलता गए, तेरी माँ टॉर्च जलाकर रोशनी दिखाते हुए पीछे पीछे चलती है, तू चौराहे पे गप्पे मारता रहता गए, तू दोस्तों के साथ अय्याशियां करता रहता गए। जब तेरी माँ कहती है ओ मेरा बेटा जमाने की हालत ठीक नहीं है, तेरी माँ कितनी बेचैन हो रही थी, तेरा बाप कितना बेचैन हो रहा था। ओ मेरा बेटा तू कहाँ चला गया था, मैं तेरे इंतजार में थी, तू तो कहा था अभी गया अभी आया। तेरी माँ करवटें बदलती है, लेकिन हद तो तब होती है कि वो नौजवान झुंझला कर बात करता गए और कहता ओ माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, बार बार मुझको मत टोका करो, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी यार हैं, हमारे भी जिगरी साथी है। तू इतना कह के तो झंझोड़ देता है माँ बाप को, लेकिन याद रखना इस पैगाम को याद रखना, अल्लाह की कसम जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली जाएगी, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला जाएगा, तू रात के 1 बजे नहीं 3 बजे रात को घर आएगा, बारिश में भीग कर आएगा, कोई खैरियत पूछने वाली घर में ना होगी, कोई खैरियत पूछने वाला घर में नहीं होगा। इसलिए ओ साहिबो याद रखना, बाप के मर्तबे को समझो, वो तेरा बाप है जो खुद अपने बदन की चमड़ी को जलाया। हमने देखा है बाप की मेहनत को दिल्ली में, जो 20-20 ईंटों को अपने पुश्त पे लेता है, अपनी पीठ पे उठाता है, 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, 8 घंटे कुदाल चलाता है, वो बाप इसलिए इतनी मेहनत मजदूरी करता है, मेरा बेटा घर में राजा बन के रहेगा, मेरा बेटा घर में शहजादा बन के रहेगा। इसलिए लोगों, माँ बाप जब तक जिंदा है, माँ बाप की कदर कर लो, और जैसा के लिया कद भाई ने कहा, अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो सब कुछ बेकार है, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आ चले की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आ चले की ठंडी हवा चाहिए। इसलिए माँ बाप की कदर करो, माँ बाप अगर नाराज है तो तेरा उर्स में आना बेकार है। इसलिए लोगों गुनाह करना छोड़ दो, बुराई करते रहोगे जमीन से तेरा नाम भी मिटा दिया जाएगा, दूसरों को फायदा पहुंचाते रहो, जमीन पर रहोगे तो भी लोगों की जबान पर तेरा नाम रहेगा, जमीन के अंदर रहोगे तो भी लोगों के दिलों में तेरा नाम बाकी रहेगा। साहिबो तकलीफ अगर दूसरे को देगो दोगे तो मिटा दिए जाओगे, दूसरों को फायदा पहुंचाओगे मिटाए नहीं जाओगे, बल्कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में, ऊंचा बोले, लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। खत्म कर दें तकरीर, अरे बोलो ना भाई, हाथों को उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह, आए हाय, अरे जोर से बोले, ये आपको बोलने में डर लग रहा है, हम लोग रोजाना महीनों बोलते हैं, और किस लिए बोलते हैं जानते हैं, अभी मेरे टाइम में तो माइक ठीक ठाक बज रहा है, लियाकत भाई ऐसा पढ़ रहे थे, ये क्यों पढ़ रहे थे जानते हैं, ये जानते हैं कि दिल इश्क नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है, बोलो 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 सुभान अल्लाह, ये दिल इश्क नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद